हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे गाइस। और अभी मैं किचन के विंडो से बाहर देख रही थी, बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो बाहर का मौसम देखते हैं। आज तो पूरा फोगी फोग है। 6:30 हो गए हैं और अभी मैं सौरभ को जस्ट उठा के आई हूँ। ओ गॉड, मैं कैमरा से दिखाती हूँ, ये देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। फोग ही फोग है आज तो, मौसम इतना ख़राब है। ये देखिए, पांच साल में पहली बार मैंने इतनी फोग यहाँ पे देखी है। मौसम यहाँ पे मतलब हर साल चेंज हो रहा है। पीछे वाली बालकनी से और दिखाती हूँ, ये देखिए सामने वाली बिल्डिंग्स तो दिख ही नहीं रही। विजिबिलिटी बहुत ही कम है, ठंड लग रही है बाहर। आज थोड़ी सी ठंड है तो सौरभ ने डाली है अपनी स्वेटर। और इनके स्कूल में ना कोई पार्टिकुलर स्वेटर का कोड नहीं है, मतलब सारे बच्चे एक ही कलर की पहन के आए। नहीं, जिसको ठंड लगती है वो पहन के आए, जिसको नहीं लगती है वो नहीं पहन के आए। तो गाइस बस ये अभी मूवी देख रहा है, साउथ की तकदीर मूवी। और ये साउथ मूवी लवर है, इसको साउथ के एक्शन बहुत ही पसंद आते हैं। और पर्सनली मुझे भी साउथ की मूवी बहुत ही अच्छी लगती है। अगर मुझे बोला जाए कि बॉलीवुड की मूवी देखनी है साउथ की मूवी देखनी है, तो मैं तो साउथ की देखूंगी। और सौरभ तो किसकी देखेगा? हम तो कैसी भी देख लेता है, इसको तो टाइम पास करने से मतलब है। एसी वाले तो गाइस जा चुके हैं, क्योंकि जो वो कंप्रेसर लेके आए थे वो उसके अंदर फिट हुआ ही नहीं। तो वे दोबारा से आएंगे, दूसरा कंप्रेसर लेके आएंगे कंपनी से और तब इसको सेट करके जाएंगे। अभी मैं एक सूट स्टिच करने की सोच रही थी, क्योंकि इसको मैंने आपको पहले ही वीडियो में दिखाया हुआ है, इसका जो नेक है वो बना हुआ है और आगे ये दिया हुआ है, ये पट्टी लगी हुई है और इसके आगे ये एम्ब्रॉयडरी है इस तरह की। और नीचे जो घेरा है उस पर ये गोटा पट्टी लगी हुई है। बट मैं इसको एज आ कमीज़ और सलवार नहीं स्टिच करने वाली, इसको मैं डिफरेंट टाइप से स्टिच करने वाली हूँ। बहुत ही ईजी वे में इसको एकदम फैंसी सूट बनाएंगे। और ऐसी जो गोटा पट्टी है वो मेरे पास सेपरेटली रखी है, तो वो मैं यूज़ करूँगी। और दुपट्टे पे भी यही वाली मैं लगाने वाली हूँ। दुपट्टा एकदम प्लेन है और साइड में वो जो झालर वाली लटकन है वो लगी हुई है। कलर है ना वो मुझे बहुत ही पसंद है, एकदम लाल सुर्ख कलर है। और कोई भी फेस्टिवल वगैरह होता है तो ऐसे कलर बहुत ही अच्छे लगते हैं, एकदम ब्राइट कलर। तो गाइस चलिए बातें नहीं करते हैं और एंड टाइम हो गया है 3:20, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी साइड में जो खाली प्लाट पड़ा है, देखिए गाइस कितना लंबा सांप यहाँ से जा रहा है। मैं ऐसे ही बाहर निकली थी तो मुझे अचानक से दिख गया, तो मैंने शूट कर लिया। देखो ये देखिए गाइस सूट का फाइनल लुक। नेक मैंने बिल्कुल छोटा बनाया है और जो पीछे वाला नेक है उस पर अभी मैंने फ़िलहाल लगाई है पिन। यहाँ पे मैं एक हुक लगाऊंगी और यहाँ पे मुझे लगानी है तुरपाई। तो आगे का ये मैंने ऐसे ही रखा है। आगे आए हैं चार फ्लावर,
यहाँ से मैंने अटैच किया है, नीचे बनाई है पूरी चोली। पहले स्लीव्स दिखाती हूँ। स्लीव्स पे मैंने ये गोटा पट्टी लगाई है। आउट ऑफ फोकस हो रहा है कैमरा। तो गाइस स्लीव्स पे ये लगाई है मैंने गोटा पट्टी, क्योंकि ये नीचे घेरे पे लगी हुई थी वही वाली है, ये नेक पे और ये वाली सूट के साथ ही आई थी, और जो नीचे मैंने लगाई है वो मेरे पास पड़ी हुई थी। तो ये हैं कलियाँ, और यहाँ पे मैंने डाली है, बीच में है 5 कलियाँ, और साइड में ये हाफ कली है, हाफ कली पीछे वाली, दोनों मिला के 1 कली हो गई। और ऐसे ही इस साइड में हाफ कली इधर, हाफ कली पीछे, 1 कली हो गई। तो ये देखी नीचे से, और यहाँ पे घेरा दिखाने के लिए मैंने नीचे चेयर रखी हुई है गाइस। तो ये देखिए मेरे सूट का फाइनल लुक। दुपट्टा भी मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, तो वो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये है फ्रंट साइड, अभी मैं आपको बैक साइड दिखाती हूँ। ये है गाइस बैक साइड। बैक साइड में जितनी भी कलियाँ हैं उन पे मैंने गोटा पट्टी नहीं लगाई है, और आप देख सकते हो पीछे वाले पोर्शन में आए हैं 5 फ्लावर। तो मैं अगर बड़ा नेक लगाती तो फिर ये वाला फ्लावर कट हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कट लगाया है, और यहाँ पे मैं हुक लगाऊंगी। तो गाइस ये है ओवरऑल लुक सूट का। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। हमारी सब्जियाँ सारी मैंने अभी कट करके रख दी हैं। 10:30 का टाइम हो गया है, दूध गर्म हो गया है, और इधर मैं हस्बैंड के लिए ये सोते हुए पीना पड़ता है, और हाफ बर्तन अभी मैंने धोए हैं, हाफ अभी बाकी हैं। चलिए गाइस ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। आपका ऐसा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नहीं होता प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।